भाई साहब, भारत देश में जो पार्ले जी के बाद जो इज्जत कमाई है ना, वो सरकारी नौकरी ने कमाई है। आईफोन तो ओवररेटेड है जी, एक किडनी में आ जाता है। सरकारी नौकरी दिल पे अटैक करता है। गली का हर दूसरा लौंडा अपना जवानी झोंक रहा है। अपनी अपनी वजह है, किसी को इंतकाम पूरा करना है, किसी को इज्जत चाहिए तो किसी को चाहिए रिंकी। और भाई साहब, इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना तो खुदा कसम डायमंड ली आते। डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख कर दे देते। और आज से नहीं, बचपन से पैदा हुए तो पिताजी बोले वाह सरकारी नौकर हुआ है। नर्स ने सगुन मांगा तो बोले लंच के बाद आना। हम बचपन में खिलौना मांगे तो लुसेन पकड़ा दिए। दादी को कहानी सुनाने बोले मोहन अजोद्रो हर पा की कहानी सुना दिए। भाई साहब, तीन दोस्त तीनों गर्ल फ्रेंड लिए घूमते थे, हम गर्ल फ्रेंड नहीं बनाए सोचे थे। सरकारी नौकरी लग जाएगी, तीनों में से एक की गर्ल फ्रेंड पटाएंगे। तीनों घर बसा लिए, हमारा तैयारी चल रहा है। भाई साहब, बेरोजगार लौंडे का बाप का हनन रिश्ता ना टोनी कक्कर और संगीत के जैसा होता है, कंगना और लॉजिक जैसा होता है कमजोर। कभी कभी लगता है जिंदगी जिंदगी जैसे नहीं क्रिकेट हो गई है। हम गेंद फेंक रहे हैं, सरकार मार रही है और पिताजी बोल रहे हैं ठोको भाई ठोको भाई ठोको। ऐसे बेरोजगार लौंडे के घर पे ना सब्जी नहीं बनती है, तानों से रोटी खाते हैं, फल लगे हुए हैं। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, हमको फीका चलेगा। भाई हमको कोई जरूरत नहीं है मीठा का, हमको बस फल चाहिए। पर करेंगे इंतकाम तो पूरा करेंगे, क्या कहते हैं ना तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। UPSC क्रैक करके रहेंगे।